नजुल्लागंज वार्ड 4 कहने के लिए तो राजधानी का एक इलाका है। यहाँ के लोग लखनऊ यानी कि मेट्रो सिटी के निवासी कहे जाते हैं। सुनकर अच्छा भी लगता है कि फैजुल्लागंज वार्ड 4 भी लखनऊ में ही आता है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा पड़ता है, जहाँ पर प्रदेश के लिए योजना बनाने वाले नेता व मंत्री बैठते हैं। लेकिन जब नजर फैजुल्लागंज वार्ड पर जाती है तो देखकर यही लगता है कि यहाँ की सकरी सड़कें, जगह जगह गंदगी और जलभराव यहाँ के लोगों की तकदीर बनकर रह गई है। सारी योजनाएं और जनप्रतिनिधियों की बातें चुनावी नजर आती हैं। इस इलाके के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सप्लाई का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इलाके में पड़ने वाले रामलीला मैदान में चंद कदम की दूरी पर रहने वाले नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। न चलने को सड़क है और न ही जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था। खाली पड़े प्लॉट तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, या यूं कहें कि दलदल का रूप ले चुके हैं। लोग परेशान हताश होकर अपनी समस्याएं बताते हैं तो जनप्रतिनिधि की अपनी ही दिक्कतें हैं। बता दें कि यहाँ की सारी समस्या प्रॉपर्टी डीलरों की देन है। आसियानी की जरूरत का फायदा उठाते हुए जमीन का कारोबार करने वाले लोगों ने आम जनता को कम कीमत का लालच देकर जमीन बेच दी, लेकिन जल निकासी व सड़क जैसी मूलभूत जरूरत का ख्याल ही नहीं रखा गया। दिक्कत भी है, यही रोड और थोड़ा कम चौड़ी है और आवाज जाम जो है, भीड़ ज्यादा लग जाती है, समस्या यही है। ये रोड क्या फिट की है, क्या अतिक्रमण है, क्या ये हम तो सुन रहे हैं भैया, कोई बता 60 फीट है, कोई 40 फीट बताओ दे, यही सब बताओ। रोड क्यों कम हो गई? रोड भैया पता नहीं 8 फीट कहीं पर है, कहीं पर 10 फीट है, कहीं पर 15 फीट है, कहीं पर 20 फीट है। पानी नहीं आया, यहाँ सप्लाई नहीं आई है, बिल्कुल नहीं है सप्लाई यहाँ पे। इसको पानी की व्यवस्था करिए बस, फिर समर सेवल लगाओ, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, उतना किसी के पास है कि नहीं है, कोई कहाँ से करे बेचारा। इतना बड़ी समस्या का पानी है, जब भरता है बारिश आती है तब यहाँ तक भर जाता है, घरों तक पानी चला जाता है, आगे कोई रास्ता नहीं निकलने का है। अजय कुमार श्रीवास्तव, क्या दिक्कत है यहाँ बड़ी? अरे यहाँ पानी की दिक्कत है साहब, और नाली उली भर जाती है, दिक्कत यही है, मतलब पानी बरसात में यहाँ बहा कर और पानी आ नहीं रहा, मतलब सीवर लाइन नहीं है, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। पीने की पानी की दिक्कत? जी हाँ। कहाँ से लाते पीने का पानी? सरकारी एक हैंड पाइप है लगा वहाँ पे दरवाजे का बाहर, तो वहाँ से उठते हैं। कितनी आबादी होगी जो उसी पे निर्भर है? तो आबादी पूरी है। सड़क क्या यहाँ तो रिक्शा पड़ जाते हैं, ये नालियाँ भर जाती हैं, बारिश में पानी बरसता है तो घरों में भर जाता है, जब नालियाँ बंद हैं। सड़क तक नहीं है यहाँ पे, घरों तक जाने के लिए रास्ते नहीं बने। जी जी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि कौन है, विधायक कौन है, या किस क्षेत्र का? जो पिंटू शुक्ला है वो इस वार्ड के मेंबर। अच्छा, कभी उनसे बातचीत हुई? नहीं। नवस्था का फिजल्ला घंटू, ये यहाँ की बड़ी दिक्कत क्या है, कोई जो बड़ी समस्या हो? सर यहाँ हफ्ते में या 15 दिन में झाड़ू एक बार लगती है सर, नाली देख लिया आपने, गंदियाँ सब कूड़ा भरा। ये क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक सड़कें क्या जो है कच्ची सड़क भी नहीं है कि जहाँ उनके घरों तक पहुँचा जा सके, और पानी भर जाता है अक्सर यहाँ पे, चूँकि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जिस समय नगर निगम में लिया गया, जिस समय मैं पार्षद बना, तो यहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, एक भी रोड पक्की नहीं बनी थी। जब 2017 से जब से मैं पार्षद हुआ तब से अनवरत कंटिन्यू काम चल रहा है, ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें कोरोना काल में भी कुछ दिन छोड़ दिया, अगर 2-3 महीने छोड़ दिए जाएँ तो लगातार काम अनवरत चलता ही रहा, किसी न किसी मत से, चाहे शासन से पैसा समग्र से लाया गया हो या 14वें वित्त से लाया गया हो, उसका 15 बिताया उससे पैसे काम किया गया, और समग्र 15 बीत से होने के बावजूद भी जितना विकास कार्य संभव था उतना किया गया, और अभी यहाँ बहुत काम की आवश्यकता है। टोटल वार्ड कच्चा होने के नाते अभी बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता है। एक बड़ी दिक्कत यहाँ, एक बड़ी आबादी को पानी की दिक्कत बता रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई का पानी नहीं आता, और समर सेवल उनके ये नहीं होता कि आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं कि समर सेवल लगा सकते। समर सेबल कुछ लोगों के यहाँ तो लगे हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ लगे हैं, उसके अलावा भी कई समर सेबल हमने लगवाए हैं जो बोरिंग करवा रखी बाहर पानी के लिए बेसिकली, और जहाँ जहाँ वाटर लाइन सप्लाई नहीं गई वहाँ के लिए लिख के दे रखा है, मिनी टेबल के लिए भी लिखा है हमने, मिनी टेबल भी लगने हैं 3-4, जिस दिन मिनी टेबल सारे लग जाएंगे, जिस जगह बैठे हैं रामलीला मैदान में यहाँ पर मिनी टेबल एक लगा हुआ, यहाँ सप्लाई गई हुई है। तो अब तक यहाँ के जो निवासी हैं, जो कि आप जनप्रतिनिधि हैं, तब तक है कि एक कुछ समय आपने भी दिखाई दिया, नगर निगम की कुछ सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत हम लोगों को काम करना रहता है, पैसा शासन से हम लोगों को जगह मिल जाता है तो मदद हो जाती है,
वैसे नगर निगम की अपनी व्यवस्थाएं हैं, कुछ पैसा है उसी में हमको पूरे वार्ड का काम कराना रहता है। कहीं नालियाँ टूट गई हैं, कहीं क्रॉसिंगें टूट गई हैं, हमारे वार्ड में अधिकतर रोडें केवल नाले के ऊपर बनी हैं। अविकसित सोसाइटी ने बहुत गंदे तरीके से यहाँ प्लाटिंग की हुई है, ना रोड है निकलने के लिए ढंग से, ना कहीं भी नाली बनाई उन्होंने, ना कहीं सड़क बनाई उन्होंने। क्या क्या खेत खरीदा और सीधे सस्ते दामों में लोगों को बेच दिया। ये काम सोसाइटी का होता है, जो प्लानिंग करती है सोसाइटी, उसका काम होता है रोड और नाली बना के देना। नगर निगम का काम होता है उसको ठीक तरह से संचालित करना। लेकिन यहाँ पे जितनी भी कॉलोनियाँ बनी हैं, कॉलोनी बनी सोसाइटी हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, केवल प्लाट काट के खेत को बेच के चले गए। अब उसके लिए सफ़र कर रही है हमारी जनता। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय महापौर जी से जितना भी जहाँ से मत ला सकते हैं, जितना भी प्रयास करते हैं, अनवरत दौड़ते रहते हैं। खराब व सकरे रास्ते और बंद पड़ी नालियाँ, ये फैजुल्लागंज वार्ड 4 में रहने वालों की तकदीर बन चुकी है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि यह समस्या जो यहाँ पर प्लॉट बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलर थे उनकी वजह से खड़ी हुई है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वीरेन पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।